हेलो एवरीवन, वेलकम टू आडा 24/7। आडा 24/7 रो ओडिया यूट्यूब चैनल को मु विभूति दास आपन समस्तन वेलकम करू छी। एंड आपन माने समस्त जानी छंती एवरीडे 4 पीएम रे ठीक 4टा रे म आपन न पई स्टैटिक जिकर सेशन नै गेस थाए। एंड आजदी मध्ये आपन न पई स्टैटिक जिकर सेशन नै गेस। एंड आपन जानी छंती आमे 1000 टॉप 1000 स्टैटिक जिकर सेशन नै गेस ठीक 4टा रे। एंड आज मध्य टॉप 1000 स्टैटिक जिकर किछ इंपोर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चंस म अपना सहित डिस्कशन करबी। जो क्वेश्चंस के आपनकर अपकमिंग एग्जाम पई आपनकर अपकमिंग जो ट्रिपल एससी रो कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम अछि ता पई बहुत हेल्पफुल हबो। एंड आज हम स्टैटिक जिकर पार्ट 13 रे पहुंच जाय छी पला माने आज मध्य धमाकेदार क्वेश्चंस म अपना सहित डिस्कशन करय पई जाउ छी। चलन त टाइम वेस्ट करि माने फटाफट सेशन को स्टार्ट कर देबा। एंड सेशन को स्टार्ट करय पूर्व म अपना को मोटिवेट करय पई गोटे मोटिवेशनल थॉट नै गेस ता एज यूजुअल आज मध्ये आपण मोटिवेट करया पई गोटे मोटिवेशनल थॉट नै गेस। एंड आजर मोटिवेशनल थॉट रहूसी डोंट फोकस ऑन द पेन, फोकस ऑन द प्रोग्रेस। ओके, तो आपण को केते कष्ट होउची सेटा रे फोकस करंतुनी, फोकस सेटा रे करबा दरकार आपण केति के प्रोग्रेस करिसंती। आपण को आज कष्ट होउची क्लियर, आजर कष्टडा खाली रहिबनी पिला मान जेतला आपण को सक्सेस मिलि जेबो ए कष्टडा रहिबनी सेटा ऊपर फोकस करंतु। कोटा ऊपर फोकस करबे ना आपण केते प्रोग्रेस करूछंती। आसीरो प्रिपरेशन केते समय थिला, कालीरो प्रिपरेशन केते करिया पे आपण प्लानिंग करूछंती। आसी मनोर 5 आवर्स रो प्रिपरेशन करूछंती, काली 6 आवर्स रो प्रिपरेशन किंबा 6 आवर्स अधिक प्रिपरेशन करिया पे चेष्टा करंतु, कम करिया पे चेष्टा करंतु। नो डाउट आपण को ते कष्ट लागी पर बट एई प्रोग्रेस ता मींस एज ऑफ टाइम जो आपण बढैले ना, आजरो 5 आवर्स काल जे 6 आवर्स करले, एक्स्ट्रा टाइम जो आपण प्रिपरेशन करले, मे बी आपण को जो प्रिपरेशन ता बहुत शीघ्र सक्सेस हे पारे। एंड आशा करबी ई मोटिवेशनल थॉट आपण को बहुत मोटिवेट करिवो। लाइफ रे पिला माने मन रखतांतु आज कष्ट अछि मींस काली ना तर कष्टडा रहिबनी पिला माने, कष्टडा गारंटी क्लियर हिजि बडा हिजिबो। बट आपण को मन रखिया दरकार पिला माने जो कष्ट दर आपण कोन सिखि चंदी एंड आपण कोन प्रोग्रेस करि चंदी ताकु ही सबले मन रखि आगु को बडंती। नासा करबी ए मोटिवेशनल थॉट आपण को बहुत मोटिवेट करथिबो। आगु को जिबा क्लियर। नेक्स्ट ऑर्डर स्टोरी डिफरेंट बेच अछि आपण जे चाहु चंदी बेच के एनरोल करि परिबे। मो प्रोमो कोड यूज करबा पय जमा भुलिबेनी, वाई टू इट वन होछि मो प्रोमो कोड। पिला माने प्रोमो कोड टिक यूज करिबो ठीक अछि, प्रोमो कोड टिक यूज करिबो Y281 Y281 प्रोमो कोड टिक यूज करिबो। अभिप्सा एस तो बेच किमा अनिसा एस जरा कि जूनियर असिस्टेंट वाला बेच को मते एनरोल करबा पय प्रोमो कोड टा यूज करबा पय जमा भुलिबेनी, Y281 होछि मो प्रोमो कोड। एंड ऑनगोइंग एंड अपकमिंग जति कि जो ऑनगोइंग बैचेस चली छि ता सते कि अपकमिंग बैचेस आसुछि, तो ऑनगोइंग अपकमिंग सब जगह बैचेस पय आपण ओडिया स्टेट एग्जाम महापेक एनरोल करिबे, Y281 Y281 प्रोमो कोड को यूज करबा पय जमा भुलिबेनी। क्लियर ठीक अछि, चलो वेरी गुड बहुत बडा। एंड मिशन 2022 पिला माने जोटा कि अबरकर सिलेक्शन होउछि आडा 24/7 रिजोल्यूशन, जोटा कि आडा 24/7 2022 रिजोल्यूशन रहिछि केवल आपण मानकर सिलेक्शन। एंड हम माने डेली आपण न पई क्लासेस नै कि आसु, खास करी मु आपण न क्लासेस कथा कर रखे एवरीडे। मु वाईटी सेशन तीन-तीनटा सेशन नै कि आसु आपण न पई आपण को अपकमिंग एग्जाम को टारगेट कर के सेशन नै कि आसु। एंड आपण जदि ए जो वाईटी सेशन सहित हमर जो पेड बेच को भी एनरोल करे पई चाहौ छन, Y281 प्रोमो कोड यूज कर कि आपण पेड बेच को एनरोल करबे प्लस 17% जो डिस्काउंट आपण पाई। ओके चलंतु सेशन को स्टार्ट करबा। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेरी गुड आफ्टरनून मानस, तपन, गुल्लू, सुब्रांशु, ए सोस्टा, दिलीप सारफान, प्रत्युष, गुलबाबू एंड अन्युत, देन अजय, गुप्तेश्वर एंड गणेश, देवकी नंदन, शुभम एंड बर्नाली, ऑल स्टूडेंट जो मैंने मतलब लाइव फंक्शन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो तो सेशन को स्टार्ट कर देबा। एंड आज दिन मध्ये हम अपना ना पाएंगे धमाकेदार क्वेश्चंस नहीं कैसे जो क्वेश्चंस की तुम एग्जाम पाएंगे बहुत हेल्पफुल हो। फटाफट क्वेश्चन आंसर कौन तो व्हिच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज सेट टू रिमेन इट्सेल्फ एज मेटा। मते कौन तो को नेटवर्क हमें कोई पर पिलाने को सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म रो ता नाटा परतन चेंज इछि मेटा, जल्दी आंसर कहबे। वेरी गुड आफ्टरनून सुनीता, जल्दी आंसर कौन तो क्लियर, जल्दी आंसर कहबे। Which social networking platform is set to rename itself as Meta? जल्दी आंसर कौन? जल्दी आंसर करो। Very good evening, मधुसूदन नायक। Very good evening, आंसर कौन तो? Which social networking platform is set to rename itself as Meta? तो ये क्वेश्चन आंसर कौन होगा पिला माने तो अपना समझ आने चाहिए आंसर कौन होगा? ना Facebook होगा। कौन होगा आंसर? ना Facebook अपन राइट आंसर होगा। ठीक अच्छी? क्लियर? को सोशल नेटवर्किंग साइट जोड़ा कितना ना को रीनेम कर ची मेटा को तो अपन जान रखा तो आंसर कौन होगा? ना Facebook होगा। एंड Facebook को अपना जान रखा तो कर पिला माने फेसबुक रो सीईओ जी के अछंदि कोन ना मार्क जुकरबर्ग आपण जानि रखिया दरकार पिला माने ठीक अछि क्लियर। एंड आपण सब जानि रखिया दरकार फेसबुक की तारो नै ना को चेंज करय पय जाउ छी कोन दैट इज मेटा। ओके ऑल क्लियर, बुझी पाललो? यस सुन ना पिला माने।
जो मेटा वर्ड ता ना ग्रीक वर्ड टू डिराइव हिच पिला माने ठीक अछि जार की मीनिंग रोछि बियॉन्ड ओके द कंपनी सीईओ ही स्टार्टेड दैट द वर्ड मेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बियॉन्ड ओके डाउट क्लियर चलो वेरी गुड बहुत बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन र जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर समस्त फटाफट कोइ क्वेश्चन आसला संजय कुमार मिश्रा who was seen in news recently is the chief of which organization to sanjay kumar mishra who organization chief person jaldi answer kebe sanjay kumar mishra sir mu apanko judhishthir live ro chi judhishthir mu jani chi tame to kavita bahut badhe lekho and bhuli parivi ni judhishthir ko amaro kebe kada bhi bhuli parivi ni judhishthir bahut badhe badhe kavita lekhon den judhishthir kavita likhya se to patho madhe concentrate kori ki padho and pakka success milba concentrate ta patho re karo ta se to kavita re madhe karo but adhik concentrate e patho re karo thik achi na judhishthir chalo sunna pila okay very good sanjay kumar mishra who has a seen sorry who was seen in news recently is the chief of which organization coordination sanjay kumar mishra chief achanti okay intelligence bureau na inform and enforcement director na me ko par central bureau of investigation ya national investigation agency to samas jani rakha dakar pila mane enforcement directorate apna jani rakha dakar je ki kon achanti na sushil kumar apna jani rakha sanjay kumar mishra sari pila mane sanjay kumar mishra thik achi the chief enforcement एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जे कि संजय कुमार मिश्रा पिला माने तो आपण जानि रखा दरकार जार कि टाइम पीरियड को 1 ईयर पर्यंत एक्सटेंशन कराइज ओके संजय कुमार मिश्रा जे कि चीफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अछन ओके ऑल क्लियर बुझी पालो एंड समझ जानि रखा दरकार पिला माने संजय कुमार मिश्रा को बिषय में जानि रखा दरकार हमें जानि रखा दरकार 1984 बैच रो से जने अफसर पिला माने जे कि आपण जानि रखा दरकार आईआरएस ऑफिसर आपण जानि रखा दरकार एंड एबे बर्तन रिसेंटली एनफोर्समेंट डायरेक्टर दैछंती संजय कुमार मिश्रा त अपना समस्त कंसेंटेड कोइ कि सुनिबा दरकार भी क्लियर मींस कोन ना 1 ईयर तक टाइम पीरियड से थिले एंड 1 ईयर तक टाइम पीरियड एक्सटेंड कराइज ठीक अछि वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन असला पिला माने अकबर नामा वाज रिटन ओरिजिनली इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज को लैंग्वेज अकबर नामा लिखा जायतला अकबर नामा जल्दी आंसर कोन अकबर नामा अकबर नामा जल्दी आंसर कइबे अकबर नामा वाज रिटन ओरिजिनली इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज तो को लैंग्वेज अकबर नामा लिखा है जल्दी आंसर को अकबर नामा जल्दी आंसर कइबे फटाफट आंसर को तो फटाफट आंसर कइबे अकबर नामा वाज रिटन ओरिजिनली इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज तो को लैंग्वेज अकबर नामा लिखा है पिला माने जल्दी आंसर को तो एटा इजी क्वेश्चन ता पिला माने एटा इजी क्वेश्चन ता अपना समझ जानि छंदी तो अकबर नामा पर्शियन लैंग्वेज लिखा जे सन पिला माने क्लियर ये सन पर्शियन लैंग्वेज लिखा है ना लिखा ही नहीं ठीक अछि क्लियर अबुल फैजल अपना जानि रखा दरकार अबुल फैजल वाज द ऑथर ऑफ अकबरनामा तो अकबरनामा को लिखित लेके ना अबुल फैजल डाउट क्लियर जो को लैंग्वेज लिखा था पर्शियन लैंग्वेज लिखा था पिला माने डाउट क्लियर बुझी पालो तो कहा दर लिखाई छी ना अबुल फैजल को दर लिखाई छी तो अकबरनामा को लैंग्वेज लिखा था पर्शियन ठीक अछि पर्शियन लैंग्वेज जो कि अकबरनामा लिखाई छी पिला माने कहा दर अबुल फैजल को दर डाउट क्लियर चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल वेरी गुड आफ्टरनून समस्त को आटा टोटी पोर्ट सब ओडिया यूट्यूब चैनल पा यूट्यूब प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत ओके चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आसला अक्षरधाम टेंपल जल्दी आंसर कइबे समस्त अक्षरधाम टेंपल व्हिच इज सिचुएटेड इन दिल्ली इज जो हमें कोच पिला माने जड़की रेवर्ड फॉर व्हिच जो कि हिंदू डेट मींस हमर पंद्र रखे दरकार को भगवान को मींस हमर जो अक्षरधाम टेंपल जो दिल्ली रे जो अक्षरधाम टेंपल अछि तो अक्षरधाम टेंपल रे को भगवान को पूजा करा छे स्वामी नारायण शिव कृष्ण गणेश रेवर्ट ओके रेवर्ट फॉर व्हिच हिंदू डेटी को भगवान को पूजा करा जाय पिला माने स्वामी नारायण शिव कृष्ण गणेश तो समस्त मन रखे दरकार पिला माने क्लियर ना एटर आंसर हबो स्वामी नारायण कर मंदिर त जडे की अपन जानि छन अक्षरधाम मंदिर अछि अपन कर अपन जानि छन जडे की दिल्ली रे अक्षरधाम टेंपल अछि तो समस्त जानि रखे दरकार ए को भगवान को पूजा करा जाय अक्षरधाम टेंपल रे तो समस्त मन रखे दरकार द टेंपल इज लोकेटेड द बैंक ऑफ यमुना रिवर तो यमुना रिवर बैंक रे जो टेंपल टा अछि एंड केबे एटा जनरल पीपल को भाई ओपन हेतला ना 6 नवंबर 2005 रे ओपन हेतला एना में कोई परिया पिला माने इवड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मध्ये करछि वर्ल्ड रो लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हिंदू टेंपल हिसाब रे एंड समस्त मन रखे दरकार ए जो अक्षरधाम टेंपल रे स्वामी नारायण को भगवान को पूजा करा जाला स्वामी नारायण भगवान को पूजा करा जा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करबे क्वेश्चन असला राजगीर महोत्सव भी सेलिब्रेटेड इन डैश तो राजगीर महोत्सव बडा को स्टेट रे सेलिब्रेट करा छे राजस्थान बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जल्दी जल्दी आंसर करबे राजगीर महोत्सव जल्दी आंसर करतो जल्दी आंसर कहिबे राजगीर महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन डैश राजस्थान बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जल्दी जल्दी आंसर कहिबे ईच एंड एवरी स्टूडेंट का आंसर दरकार एंड समस्त आंसर दरकार ठीक अछि क्लियर जल्दी आंसर कर राजगीर महोत्सव
यस वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्रेहेंसिव आमे कोचो कोन पिला ना आमे कोचो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्रेहेंसिव हिंदू टेंपल जडा की स्वामीनारायण टेंपल टा ओके चलो वेरी गुड। तो राजगीर महोत्सव आसले समस्त कंसंट्रेट करी की सुने दरकार। तो राजगीर महोत्सव कोडी सेलिब्रेट करा छै बा कोडी ऑर्गेनाइज करा छै ना बिहार रे ओके बिहार बिहार कैपिटल आसले पटना अपन जान छै बिहार के अपन जदि सीएम आसले कोन छै ना नीतीश कुमार आसंती ओके। तो समस्त मन रखे दरकार राजगीर महोत्सव बडा कोडी सेलिब्रेट करा छै पिला माने ना बिहार सेलिब्रेट करा छै एंड समस्त मन रखे दरकार एडा बडे मन रखे दरकार पिला माने क्लियर ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस राजगीर महोत्सव जेके हमरो बिहार रे सेलिब्रेट करा छै डाउट क्लियर जेके की राजगीर महोत्सव और तखमे राजगीर डांस फेस्टिवल मध्ये को आसे कोडी छि ना राजगीर बिहार एडा को माने सेलिब्रेट करा छै पिला माने ऑल क्लियर बुझी पालो यस सो ना पिला माने चलो वेरी गुड। एंड समस्त मंडक जेके एडा को ऑर्गेनाइज करे की ना डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ बिहार बिहार जो डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट अछि सी ऑर्गेनाइज करे पिला माने एटा डाउट क्लियर बुझी पालो यस चीफ मिनिस्टर असले नीतीश कुमार एंड गवर्नर असले फग्गु चौहान बिहार कैपिटल असले कोन ना पटना क्लियर चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर समस्त कहिबे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर समस्त कहिबे क्वेश्चन आसला संतारा इज अ रिलीजियस रिचुअल ओके रिलेटेड टू डैश। तो ए जो संतारा को रिलीजन से रिलेटेड संतारा जैन शैव या शक्त या वैष्णव जल्दी आंसर कर ए जो संतारा को रिलीजन सहित रिलेटेड पिला माने को रिलीजन सहित रिलेटेड जैन सहित ना शैव सहित ना शक्त सहित ना वैष्णव सहित शक्ति को जो मैंने उपासन करते हमें कौन कौन शक्त कहते शिव को जो मैंने उपासना करते शैव कहते एंड विष्णु को जो मैंने उपासना करते वैष्णव कहते एंड जैन तो आप समस्त जानते पे मैंने तो मतलब कहते संतारा इज ए रिलीजियस रिचुअल रिलेटेड टू डैश। तो समस्त मन रखे दरकार संतारा पे मैंने ना जैन धर्म सहित रिलेटेड जैन सहित जैन जैन रिलीजन सहित रिलेटेड ओके संतारा मीन कौन पे मैंने तो आपने मन रखा संतारा जो कि जैन मान गोटे भल्यूमटरी डेथ डाक गोटे कौन से भोक रही फास्टिंग रही 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 कौन कहते जोड़ा कि मृत्यु हुए ठीक अच्छे गोटे भल्यूमटरी डेथ डाक आम कौन कौचे ना संतारा कौन अल क्लियर। तो समस्त कनसेट कर जैन धर्म लोक मैंने किसी लोक कौन करते जो कि भल्यूमटरी डेथ निके मीन कौन ना फास्टिंग करल्यूमटरी डेथ दिखाता कौन कहे ना संतारा कहुए अल क्लियर। तो संतारा का रिलेटेड ना जैन सहित जैन धर्म सहित रिलेटेड ओके संतारा टा क्लियर वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला फीच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस ब्रोंज इमेज ऑफ चोलो पीरियड। तो चोलो पीरियड रो मोस्ट फेमस ब्रोंज इमेज ता कोडा थिला मुरुगन नटराज वेंकटेश्वर या विष्णु जल्दी आंसर कहबी फटाफट आंसर के देखे फास्ट आंसर के कहछन जल्दी आंसर कहतु क्लियर जल्दी आंसर कहबे फीच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस ब्रोंज इमेज ऑफ चोलो पीरियड। तो चोलो पीरियड रो मोस्ट फेमस ब्रोंज इमेज ता कोन थिला कोडा थिला पिला माने कोई परे मुरुगन ना नटराज ना वेंकटेश्वर ना विष्णु। तो मु समस्त को कहि रखे एवरी डे 10 एएम 10टा एएम रे मु अपना को पई करंट अफेयर सेशन नै कि असि तो अपना समस्त मते करंट अफेयर सेशन रे जॉइन करिवे सब दिन मु अपन को 10टा रे ठीक 10टा रे मु अपना को पई करंट अफेयर सेशन नै कि असि एंड अपन मान समस्त करंट अफेयर सेशन मते जॉइन करिवे क्लियर अपडेटेड करंट अफेयर क्वेश्चंस नै कि असि ठीक 10टा रे जो माने जानि नांदी अपन मान को समस्त को कहू आपने ठीक 10टा रे एई अडाडोटी परसन ओडिया प्लेटफार्म ए जो ओडिया यूट्यूब चैनल आपने ठीक 10टा रे एवरी डे करंट अफेयर क्वेश्चंस पाइबे ठीक अछि चलो वेरी गुड। तो समस्त मन रखे को मूर्ति थला ना नटराज को मूर्ति थला क्लियर बुझी पाललो ये सन्न पिला माने। तो समस्त मन रखे दरकार ना आमे कहि परबा ए भितर कोटा ब्रोंज आमे कहि परबा पिला चोलो पीरियड रो कोटा फेमस ब्रोंज इमेज थला ना नटराज हला नृत्यरत भगवान शिवंकर मूर्तिटा ठीक अछि वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल वेरी गुड आफ्टरनून क्लियर जीवा आगो को चलो वेरी गुड बहुत बड़ा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कोंतु क्वेश्चन आसला द फेमस गंगा सागर मेला एन एनुअल फेयर इज हेल्ड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अबडाने कोई पर इंडिया को स्टेट रे फेमस गंगा सागर मेला को क्लियर फेमस गंगा सागर मेला को पिला माने कोन कराइछि ना बड एनुअल फेयर हिसाब रे ऑर्गेनाइज कराउछि जल्दी आंसर कहबे पिला माने गंगा सागर मेला बड एनुअल फेयर पिला माने कोंतु को स्टेट रे ऑर्गेनाइज कराउछि गंगा सागर मेला को बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड वेस्ट बंगाल जल्दी आंसर कहबे जल्दी आंसर कोंतु जल्दी आंसर कहबे देखिए फास्ट आंसर के कहू छन जल्दी आंसर कहतु तपन मिश्र क्वेश्चंस रा जहां डिस्कशन करू छी सेशन रे नोट डाउन कर दियो ओके क्लियर द फेमस गंगा सागर मेला एंड एनुअल फेयर इज हेल्ड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया और इंडिया को स्टेट रे गंगा सागर मेला को ऑर्गेनाइज करा जाय जल्दी आंसर कहतु गंगा सागर मेला हु कैन से बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड वेस्ट बंगाल गंगा सागर मेला। तो समस्त जानी रखिया दरकार पिला माने समस्त जानी रखिया दरकार गंगा सागर मेला को स्टेट रे ऑर्गेनाइज करा जाय ना गंगा सागर मेला को वेस्ट बंगाल रे ऑर्गेनाइज करा जाय डाउट क्लियर बुझी पाललो एंड मन रखिया दरकार यूच अपन आमे जदि कहिबा क्लियर आमे जदि कहिबा यूच कोनो ना सेकंड बिगेस्ट फेयर आफ्टर कोनो ना कुंभ मेला
କୁମ୍ଭ ମେଳା ପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେକେଣ୍ଡ ବିଗେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା କ'ଣ ଆସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଗଙ୍ଗାସାଗର ମେଳା। ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? କୋଉଠି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଏ। ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଗୋଟେ 60s ର ଫେୟାର ଆସେ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ଏ ଯେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଏ ଯେ ଗଙ୍ଗାସାଗର ମେଳାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଇଏ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ବିଗେଷ୍ଟ ଫେୟାର ଆମେ କହୁଛେ ଆଫ୍ଟର କୁମ୍ଭ ମେଳା, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन आसला संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। संगाई फेस्टिवल टा को स्टेट रे सेलिब्रेट करा जाए? जदी आंसर कहबे संगाई फेस्टिवल टा को स्टेट रे सेलिब्रेट करा जाए? लक्ष्मीधर जेना जो माने करंट अफेयर क्लासेस आज करी ना, आज बहुत कम पिला भी थिले करंट अफेयर सेशन रे। आपन समस्त को रखे आपन समस्त ए जो आपन प्लेलिस्ट को जिबे तो देखिबे से करंट अफेयर रे प्लेलिस्ट थिबो, एंड से प्लेलिस्ट को जतला क्लिक करिवे आपन टोटल क्लासेस पाइबे। मु जनवरी 10 तारीख रे जो करंट अफेयर सेशन नै कि सब जक करंट अफेयर क्लासेस आपन पाइ जिबे। संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन आसाम मणिपुर मिजोरम नागालैंड। जल्दी आंसर कौन? संगाई फेस्टिवल टा को स्टेट रे सेलिब्रेट करा जाए? आसाम रे ना मणिपुर रे ना मिजोरम रे ना नागालैंड रे? तो समस्त जानी रखा दरकार संगाई फेस्टिवल आसले मन रखा दरकार संगाई फेस्टिवल जो कि मणिपुर रे सेलिब्रेट करा जाए पिला माने, ठीक अच्छे ये सुन न पिला माने एट समस्त जानी रखा दरकार। लोकतक लेक पाखरे कोन करा जाए संगाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाए? आज मणिपुर पाला बहुत क्वेश्चन डिस्कशन करी छी। आज रो सेशन जो करेंट अफेयर सेशन थला मणिपुर बहुत क्वेश्चन डिस्कशन कर, तुम कह सर कौन कौन आज मणिपुर वाला क्वेश्चन डिस्कशन होता तो समस्त मन रखा दरकार। मणिपुर ने बाबा 18th एडिशन ऑफ कौन ना समस्त मन रखे पिलाने जे कि कचाई लेमन फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराई छी। समस्त कंसंट्रेट करी छी, तुम कह कचाई लेमन कौन ना कचाई लेमन जे कि जीआई प्रोडक्ट पिला जीआई टैग मध्ये मिली छी। क्लियर जे कि मणिपुर रो प्रोडक्ट ताकू जीआई टैग मध्ये मिली छी। तो कचाई लेमन फेस्टिवल को जे कि मणिपुर रे सेलिब्रेट कराई छी पिला माने जे कि 18th एडिशन जे कि करंट अफेयर सेशन आज मु डिस्कशन करथली। एंड समस्त जानि रखा दरकार कचाई लेमन जे कि आपण कचाई लेमन फेस्टिवल रो बा में कोचे कचाई फेस्टिवल रो तारो थेम कोन थला ना ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेफ एनवायरनमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ थेम ऑफ कचाई फेस्टिवल। नेक्स्ट जदि कहा जाय मणिपुर सीएम के ना एन बीरेन सिंह, एंड जदि कहबा गवर्नर के ना ला गणेशन जे कि कोन छन ना गवर्नर अछन। एटा अपन मन रखे दरकार माने हाथी चिल्ली आउटे मन रखे दरकार तेमलोंग ऑरेंज। हाथी चिल्ली आउटे तेमलोंग ऑरेंज कथा से ओके हाथी चिल्ली आउटे तेमलोंग ऑरेंज जस दाकु भी मणिपुर इधर को जीआई टैग मिली छी। एंड समस्त मन रखे लोकटक अपन जान रखे तो लोकटक ता जड़े की फ्लोटिंग लेक ता अपन जान छी जड़े की मणिपुर अछि। ते हमें कैबुल लेमजो कथा कहि बा सुछि फ्लोटिंग नेशनल पार्क जड़े मणिपुर अछि। एंड मन रखे मणिपुर ना ज्ञानेंद्र निगम बम अपन सब जान छी गो एमिनेंट पर्सन ज्ञानेंद्र निगम बम से कोन छन प्रेसिडेंट अछि कार ऑन हॉकी इंडिया रो। मु बार बार कहि छी ईच एंड एवरी डे अपन पय जे करंट अफेयर क्वेश्चंस नै कि आसी केवल अपडेटेड करंट अफेयर सहित ता से रिलेटेड क्वेश्चन मध्ये डिस्कशन करू छी। एंड सब दिन करंट अफेयर सेशन अपन में 10टा एएम ईच एंड एवरी डे अपन पाइबे 10टा एएम रे करंट अफेयर सेशन। आशा करबी समस्ते करंट अफेयर सेशन रे अपन समस्त ज्वाइन करबे ओके क्लियर। आउ थरे करके संगाई फेस्टिवल रे मणिपुर करा जे संगाई डीर को नै कि पिला मान संगाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट कराउ छी। एंड ए पे रिसेंट जेडा कि खचाई लेमन फेस्टिवल को मते ऑर्गेनाइज करे छी 18th नंबर एडिशन थला खचाई लेमन जेडा कि मणिपुर रे जेआई प्रोडक्ट जेआई टैग मिलि छी पिला खचाई लेमन को। एंड बीरेन सिंह जे कि चीफ मिनिस्टर अछन एंड ला गणेशन जे कि गवर्नर अछन हतेई चिल्ली और तेमलोंग तेमलोंग ऑरेंज प्रोडक्ट को मते जेआई टैग मिलि छी। फ्लोटिंग लेक लोकटक लेक आमे जदि कहबा कैबुल लेमजो जेडा कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क असे एंड ज्ञानेंद्र निगम बम को कोन ना वर्तमान से अनअपोजिट प्रेसिडेंट ऑफ कोन ना हॉकी इंडिया रे अनअपोजिट प्रेसिडेंट अछन। डाउट क्लियर बुझी पालो? नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा पिला माने थैंक यू प्रशांत सेठी थैंक यू यार लव यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कौन? क्वेश्चन आसला कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डैम्स व्हिच सॉरी फ्रॉम विद एसोसिएटेड विद सेस मतलब को को स्टेट से द को डैम्स एसोसिएटेड। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डैम्स डैम्स फॉर्म्स विथ एसोसिएटेड स्टेट मतलब को को डैम्स फॉर्म था को स्टेट से एसोसिएटेड कुड डैम्स ओडिसा तला तिपाने डैम्स हिमाचल प्रदेश तला चुमर नाचो छत्तीसगढ़ तला कोन तो ए भीतर को पेयर था करेक्ट अछि ए भीतर को पेयर था करेक्ट जल्दी आंसर कबे। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डैम्स फॉर्म्स विथ एसोसिएटेड स्टेट्स कुड डैम्स ओडिसा तिपाने डैम्स हिमाचल प्रदेश चुमर नाचो छत्तीसगढ़ व्हिच ऑफ द अबव इज और आर करेक्टली मैच्ड ए भीतर कोडा करेक्टली मैच जल्दी आंसर कबे। नमस्कार लिटु नायक नमस्कार जल्दी जल्दी आंसर कबे। एंड समस्त आपण मानक स्टेटस रे आजिर सेशन रहबा दरकार ईच एंड एवरी स्टूडेंट आपण मानक संग मानक सहित आजिर क्लासेस रो लिंक को डीगे शेयर करन ते नाम चैनल आडर 247 ओडिया यूट्यूब चैनल को डी सब्सक्राइब कर देबे पिला माने। एंड आपण को भल पाइबा लाइक माध्यम रे देबे मींस आजिर सेशन को डी लाइक भी कर देबे ओके। तो समस्त को मु कहि रखे पिला माने कुड डांस आसले मन रखियो कुड डांस ता जम्मू काश्मीर से रिलेटेड पिला माने तिपानी डांस जडा कि गुजरात से रिलेटेड पिला माने झुमर नाच अपन जान रखियो दरकार झुमुर झुमुर नाच जडा कि आसाम से रिलेटेड। ऑल क्लियर बुझि पालो? तो झुमुर आसले मन रखियो पिला माने क्लियर आसाम आसे तिपानी आसले गुजरात आसे कुड डांस आसे जम्मू एंड काश्मीर। आंसर हबो नन ऑफ दिस मींस आपन डी ऑप्शन राइट आंसर हबो। यस ऑर नो पिला माने डी ऑप्शन राइट आंसर हबो ना हबनी
वेरी गुड इवनिंग अभिजीत, वेरी गुड इवनिंग, ओके ये सब न बुझिले पिला माने क्लियर। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करबे, इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया इज द रोलापाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड, मतलब कोन इंडियार को पार्ट रे रोलापाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अछि, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरला गोवा, रोलापाडु लाइफ सेंचुरी आमे कोछु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फुकेन से रोलापाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड, इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया इज द रोलापाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरला गोवा, जल्दी आंसर करबे, फटाफट आंसर करतो, फटाफट आंसर करबे, देखियो फर्स्ट आंसर के क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर करबे, एंड आज हमें बहुत क्वेश्चन को हमें डिस्कशन करे पय जाउ छे, ए टाइप ऑफ रिपीट पायर टाइप ऑफ सब दिन क्वेश्चन डिस्कशन करियो पिला माने, मु जानि छी आपन माने पक्का ए क्वेश्चन आंसर डा कोइ चलिबे, जल्दी आंसर करबे, रोलापाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हु कैन से रोलापाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जल्दी आंसर करबे, रोलापाडु वाइल्ड लाइफ, जल्दी आंसर करबे, जल्दी आंसर करन, रोलापाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हु कैन से समस्त मन रखे दरकार पिला माने, रोलापाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कि कुर्नूल आंध्र प्रदेश रे छी, ए सब न पिला माने क्लियर, त मन रखे दरकार जोड़ा कि कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश रे छी, रोलापाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डाउट क्लियर, बुझी पालो ये सब न पिला माने, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो आपण जानि रखे दरकार आंध्र प्रदेश रे को डिस्ट्रिक्ट रे ना कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश कथा आसले म तमानो कह रखे, ओके राइस बाउल ऑफ इंडिया किबा एग बाउल ऑफ इंडिया कोडा आंध्र प्रदेश, ये सब न पिला माने आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आसले कोन हो ना आंध्र प्रदेश, ये सब न पिला माने आंध्र प्रदेश जदी गवर्नर कि होसंती ना विश्वभूषण हरिचंदन, जा कि कोन मिलला पिला माने ना आपण जानि छथि पिला, विश्वभूषण हरिचंदन जे कि बीजेपी रो एमिनेंट लीडर अछन को कलिंग रत्न सम्मान मध्ये मिलिछि, विश्वभूषण हरिचंदन को आपण सब जानि रखे दरकार, विश्वभूषण हरिचंदन जे कि कलिंग रत्न सम्मान मिलिछि, एंड आमे कहिबा आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर कि होसंती ना वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी अछन, एंड आंध्र प्रदेश कैपिटल आपण जानि छथि जेकि कोन सन अमरावती आसे, ओके अमरावती जेकि आंध्र प्रदेश रो कैपिटल आसे, आंध्र प्रदेश रो गवर्नर कि होछन पिला माने आपण जते विश्वभूषण हरिचंदन जेकि कोन छन ना आंध्र प्रदेश रो गवर्नर अछन, आंध्र प्रदेश होछि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आपण सब जानि रखे दरकार, आंध्र प्रदेश रो जदि क्वेश्चन आसना पिला माने आंध्र प्रदेश रो जदि कहा जाय आंध्र प्रदेश कोन ना राइस बाउल ऑफ इंडिया को आसे, एग बाउल ऑफ इंडिया मते कहा जाय, ये सन पिला माने ये सन, चलो वेरी गुड, बहुत बडा, ठीक अछि क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहबे, एंड रोलापाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोड छ ना कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश रो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट अछि रोलापाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जल्दी आंसर कहबे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आसला पिला ने कंबाला, ओके कंबाला स्पोर्ट इज हेल्ड इन व्हिच स्टेट, त मते कोंदु कंबाला स्पोर्ट ता आपण कहि परि पिला, कंबाला गोटे स्पोर्ट ता पिला, गोटे स्पोर्ट्स ता गोटे खेलटा को स्टेट रे हुए पिला माने, को स्टेट ऑर्गेनाइज करा जाय जो कंबाला स्पोर्ट्स को, जल्दी आंसर कहबे, कंबाला स्पोर्ट, जल्दी आंसर कहबे कंबाला, ओके कंबाला स्पोर्ट इज हेल्ड इन व्हिच स्टेट, कर्नाटक गुजरात तमिलनाडु केरला, जल्दी आंसर कहबे कंबाला कर्नाटक गुजरात तमिलनाडु केरला, इच एंड एवरी स्टूडेंट सेशन को डी शेयर करिबे, अपन को व्हाट्सएप और टेलीग्राम और फेसबुक इंस्टाग्राम सब डी शेयर करन सेशन को, एंड आज ही वाली सब दिन मु ए टाइमिंग रे मींस 4:00 रु 5:00 अपन करो सब दिन पिला माने 10:00 एएम रे अपन पाइबे करंट अफेयर सेशन, ओके 4:00 पीएम रे पाइबे अपन मनोख्या दरकार पिला माने जेकी स्टैटिक सेशन, ओके एंड म अपन को रके 7:00 पीएम रे अपन पाइबे साइंस सेशन, ओके एवरी डे म अपन पर 3टा सेशन लेके आसी जोडा कि तमरो अपकमिंग एग्जाम पे बहुत हेल्पफुल होबे सेशन गुडा, क्लियर, तो कंबाला आसले मन रखे कर्नाटक कोन आंसर, कर्नाटक हबो ना हबोनी पिला माने ये सन ना कर्नाटक से रिलेटेड, क्लियर, तो कंबाला इज एन एनुअल बुफालो रेस हेल्ड इन कर्नाटक, मन रखे तो गुडा बुफालो रेस बळदर जो दौड़ा खेलडा पिला माने को जगह रे ऑर्गेनाइज करा जने कर्नाटक रे ऑर्गेनाइज करा, तो कंबाला इज एन एनुअल बुफाल जोडा के बुफालो रेस ला बुफालो रेस ता पिला माने हेल्ड इन कर्नाटक, तो कर्नाटक रे को ऑर्गेनाइज करा जाय बुफालो रेस ता जेके हमें कंबाला कहउछन्ती, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहबे, क्वेश्चन असला व्हिच सेंचुरी गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन, त मते कोन को सेंचुरी रे गौतम बुद्धंकर जन्म होइतला, नाइटिंग जॉय, वेरी गुड आफ्टरनून, जल्दी आंसर कोन, वेरी गुड आफ्टरनून, जल्दी आंसर कहबे, ओके इन व्हिच सेंचुरी गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन, त गौतम बुद्धक जन्म को सेंचुरी रे होइतला, 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी या हमें कहउछन 6th सेंचुरी बीसी या 7th सेंचुरी बीसी, जल्दी आंसर कहबे, 4th सेंचुरी बीसी या 5th सेंचुरी बीसी या 6th सेंचुरी बीसी या 7th सेंचुरी बीसी, जल्दी आंसर कोन, जल्दी आंसर कहबे, हु कैन से व्हिच सेंचुरी गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन, गौतम बुद्धंकर को सेंचुरी रे जन्म होइतला पिला माने, ओके हमें कहबा 4th सेंचुरी बीसी या 5th सेंचुरी बीसी या 6th सेंचुरी बीसी या 7th सेंचुरी बीसी, तडा इजी क्वेश्चन आपण सब जानि छथि 6th सेंचुरी बीसी, ओके क्लियर, बुझि पालो, तो गौतम बुद्ध जे कि बुद्धिज्म रो फाउंडर आपण जानि छथि पिला माने, जाकि हमें गौतम बुद्ध बुद्ध तक हम गौतम बुद्ध को बुद्धिज्म रो फाउंडर आसंती ताको जन्म के पेइतला, ता गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन 563 बीसी 563 बीसी रे कोड जन्म होइतले से ना लुम्बिनी रे जन्म होइतले पिला माने, क्लियर, एंड ताकर मृत्यु केबे इथला आपण से केबे मृत्युकरण करथले 483 बीसी रे, ऑल क्लियर, बुझी पाले, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहबे,
which is the largest Indian museum? ये भीतर कोटा largest Indian museum, Nizam's museum या मैं कोई बार बोला सलारजंग म्यूजियम या कोई बार एपिस्टेट जो कि आर्कियोलॉजी म्यूजियम या इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, जल्दी आंसर कौन? ये भीतर कोटा largest Indian museum, जल्दी आंसर कौन बोला largest Indian museum, जल्दी आंसर कौन? Which is the largest Indian museum? Who can say largest Indian museum टा कोटा, जल्दी आंसर कौन? And समस्त ठीक है सेशन बढ़िया शेयर करिए व्हाट्सएप टेलीग्राम पर फटाफट लिंक बढ़िया शेयर कर दियो। Which is the largest Indian museum? लार्जेस्ट इंडियन म्यूजियम टा कोटा तो समझ जानी रखे दरकार पिला माने तो समझ जानी रखे दरकार हमें कोई बा इंडियन म्यूजियम जो कि कलकत्ता रो छी इंडियन म्यूजियम जो कलकत्ता रो छी इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया मन रखे दरकार लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया इंडिया जे हमें लार्जेस्ट म्यूजियम को देखिबा से छी कोनो ना कलकत्ता म्यूजियम ओके केबे फाउंडेड हितला ना 1814 ओके 1814 मसेर एडा फाउंडेड हितला पिला माने क्लियर एंड तक हमें ओल्डेस्ट इंडियन म्यूजियम मध्ये कोछन इट इज द ओल्डेस्ट इंडियन म्यूजियम मध्ये हला हमें देखे जितरे जो म्यूजियम अछि इंडिया रो सोटा ओल्डेस्ट इंडियन म्यूजियम असले मन रखे दरकार रखी इंडियन म्यूजियम कलकत्ता ओके चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन असला तोसाली नेशनल क्राफ्ट मेला हु कैन से तोसाली नेशनल क्राफ्ट जो तोसाली मेला जो आपण जानछन बिला ने तोसाली नेशनल क्राफ्ट मेला व्हिच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली वाज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी मतलब तोसाली क्राफ्ट मेला डाको की ऑर्गेनाइज करूछ को स्टेट ऑर्गेनाइज करूछ तोसाली नेशनल क्राफ्ट मेला को स्टेट ऑर्गेनाइज करूछ ओडिसा बिहार उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश जल्दी आंसर कहबे तोसाली मेला हु कैन से हु कैन से तमानो मित्र बडे खुशी बडे हसो आस्तिबो सर एडा मे जानि छु तम बहुत सर एडा मे जानि छु एडा इजी क्वेश्चन डा एडा इजी क्वेश्चन डा सर अपने क्वेश्चंस पचारि देले बहुत इजी क्वेश्चन तोसाली मेला आसले मोर ओडिसा ओके क्लियर तोसाली नेशनल क्राफ्ट मेला इज एनुअली ऑर्गेनाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिसा तम रखे तो केपले ओडिसा रे ही ए जो तोसाली मेला को ऑर्गेनाइज करा जाय ये सन पले माने एडा कोन एनुअल हमें कोछ क्राफ्ट मेला डा ये सन क्लियर एंड ओडिसा रो जदि चीफ मिनिस्टर आसंदी मिस्टर नवीन पटनायक आसंदी ओडिसा रो गवर्नर आसले मन रखे दरकार कोन आसंदी ना गणेशलाल ओके ये सन न पिला माने क्लियर चलो वेरी गुड बहुत बड़ा एंड तोसाली मेला रा को स्टेट ऑर्गेनाइज करा छे ना ओडिसा एंड ओडिसा कथा आसले समस्त कंसंट्रेट करी सुना दरकार पिला माने क्लियर इंडिया रो जी फास्ट स्टेट एंड पुरी हो जी फास्ट डिस्ट्रिक्ट अपना जानि रखे दरकार प्योर वाटर फ्रॉम टैप ओके पानी डा ना पिला माने जो प्योर वाटर मिलिबो टैप रो मन रखे जड़ा कि सुजल मिशन अंडर रे मन रखे दरकार इंडिया हो फास्ट स्टेट हो ओडिसा ओडिसा रो फास्ट सिटी हो पुरी पुरी रे कोन ना सुजल मिशन वाइज कोन माने जडे कि ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टेप कोन माने विशुद्ध पानीय जल मिलबे कोड ना टेप ओके अपन सब जानि देखे दरकार क्लियर एंड अपन जानि देखे तो तोसाली क्राफ्ट मेला रा कोड ऑर्गेनाइज करा जे ना ओडिसा रा ऑर्गेनाइज करा जे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कोन आंसर कय पूर्व मु कय रखे संभव ओएस पेज ऑलरेडी आडा स्टोर अवेलेबल हो अपन मो प्रोमो कोड यूज कर अपन पेज कनरोल कर पारे Y281 हो मो प्रोमो कोड एंड प्रदीप सर सुपरस्टार मैथ बैच एंड इंग्लिश सर हमर सुपरस्टार इंग्लिश बैच मध्ये आडा स्टोर अवेलेबल अछि आपण चाहौछन ए बैच देरक मध्ये एनरोल कर पारबे प्रोमो कोड यूज करै पय जमा बोलि बेने Y281 Y281 प्रोमो कोड यूज करले आपण को फ्लैट 17% डिस्काउंट मिल जइबो ओके चलो वेरी गुड नेक्स्ट आंसर कोन पट्टचित्र व्हिच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज अ पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ व्हिच स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी जल्दी आंसर कोन जल्दी आंसर करबे पट्टचित्र डा पिला माने को स्टेट रो बा को यूनियन टेरिटरी रो पिला माने बड पॉपुलर आर्ट जल्दी आंसर कोन जल्दी आंसर कोन जल्दी आंसर कोन पट्टचित्र व्हिच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज अ पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ व्हिच स्टेट तो को स्टेट रे होची पॉपुलर आर्ट पट्टचित्र डा आंध्र प्रदेश केरला ओडिसा जम्मू काश्मीर जल्दी आंसर कोबे पट्टचित्र हु कैन से हु कैन से तो पट्टचित्र डा समस्त मन रखे दरकार पिला माने कोन ओडिसा रो सॉरी कोन ओडिसा रे कहि दिस हां ओडिसा ही हो ठीक अछि पट्टचित्र आपण जानछन गोटे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म पिला माने ठीक अछि जे कि ओडिसा रे एडा हम कहबा मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म ता डाउट क्लियर बुझि पल ये सन न पिला माने तो पट्टचित्र क्लियर त मते कहि परे पट्टचित्र डा आपण जानि रखे दरकार ओडिसा रे को जगह देखिया पई मिले पुरी डिस्ट्रिक्ट रे को जगह देखिया पई मिले वर्तमान पर्यंत जे पट्टचित्र देखिया पई मिलुछि जल्दी आंसर कहबा पिला माने वेरी गुड रघुराजपुर रे ला पुरी डिस्ट्रिक्ट रे समस्त मन रखे दरकार पिला माने रघुराजपुर हला रघुराजपुर रे क्लियर ना ए जो पट्टचित्र आर्ट को देखिया पई मिले जे कि पॉपुलर आर्ट फॉर्म ता ओडिसा ओके ठीक अछि वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करबे क्वेश्चन आसला होला मोहल्ला हु कैन से होला मोहल्ला इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट तो को इंडियन स्टेट रे होला मोहल्ला फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाय जल्दी आंसर कोन होला मोहल्ला इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट तो को इंडियन स्टेट रे होला मोहल्ला फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाय राजस्थान पंजाब गोवा ओडिसा जल्दी आंसर कहबे देखियो फर्स्ट आंसर की कहछन फटाफट आंसर कहबे एंड मु जानि छी आपन पक्का ए क्वेश्चन रो आंसर बडा को नोट डाउन मध्ये करछन एंड तमानो बार बार को ए क्वेश्चन बडा नोट डाउन करिब आंसर बडा मध्ये नोट डाउन करिब काहे कि ना पिला माने आपन सम जानि रखे दरकार जते थोर आपन लेखिबे ना फटाफट से क्वेश्चन कोडा मन रही जीवो ओके क्लियर क्वेश्चन आंसर कहबे होला मोहल्ला इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट तो को इंडियन स्टेट रे और यूनियन टेरिटरी रे होला मोहल्ला फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाय होला मोहल्ला आसले कोन पिला माने ना पंजाब रे कोन करा जाय ना जो जो होला मोहल्ला फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाय ओके तो मन रखे तो होला मोहल्ला रे आपन जानि रखे दरकार सिख फेस्टिवल ला
is the annual Sikh festival celebrated in the state of Punjab. Okay, doubt clear? To annual Sikh festival. Acha mate kole Sikhism ra founder ki apan janchanti first Sikh guru ke na guru Nanak se uchanti kon na apan janibe kha dakar na Sikhism ra founder and mu apan ko kahitili last Sikh guru ke na guru Gobind Singh ji ki khalsa ko introduce karitile mu bar bar taman ko koichhe be recent mane last Sikh guru guru 10 number jo Sikh guru ko death mane ame janichanti death anniversary ko सेलिब्रेट करिसोंदी अपन सब जानिथिया दरकार एंड जे कि खालसा को इंट्रोड्यूस करथिले एंड मनके सिखिसम रो फाउंडर आसले मनके दरकार जे कि गुरु नानक देव आसोंदी पिला माने एंड ताकर बर्थडे टाको गुरु पुरब हिसाब रे बा गुरु परब हिसाब रे सेलिब्रेट करा जाय एंड हल्ला मोहल्ला पिला माने सिखिसम फेस्टिवल गो सिख धर्म रो फेस्टिवल आसे एंड कोड सेलिब्रेट करा जाय पंजाब रे सेलिब्रेट करा जाय ओके ये सब न पिला माने तो को स्टेट रे सेलिब्रेट करा जाय ना पंजाब रे ठीक अछि चल वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कइबे लेक पिछोला इज सिचुएटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट तो पिछोला लेक ता अपन कोई परे कोई इंडियन स्टेट रछि पिछोला जल्दी आंसर कोन जल्दी आंसर कोन पिछोला लेक केरला जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश राजस्थान त मते कोई भी प्लान को स्टेट रे जो पिछोला लेक ता छि ओके केरला रे छि ना जम्मू कश्मीर रे छि ना हिमाचल प्रदेश रे छि ना राजस्थान रे छि पिछोला लेक को कैन से पिछोला जल्दी आंसर कोन फटाफट आंसर कोई भी प्लान माने जल्दी आंसर कोन फटाफट आंसर कोई देखि फर्स्ट आंसर के को छोंदी फर्स्ट आंसर के को छ पिछोला लेक केरला जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश राजस्थान को स्टेट रे पिछोला लेक ता छि हु कैन से जल्दी आंसर कोई तो पिछोला लेक से समस्त कंसंट्रेट करियो सुनिया दरकार प्लान उदयपुर सिटी राजस्थान तो समस्त मन रखिया दरकार पिछोला लेक वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक इन राजस्थान राजस्थान रो मोस्ट ब्यूटीफुल लेक जोडा की पिछोला लेक ता को जगह रे अछि ना जोडा की उदयपुर रे अछि ओके उदयपुर डाउट क्लियर बुझि पाललो ये सन तो राजस्थान रो उदयपुर अछि तो पिछोला लेक जोडा के हम कोछ मोस्ट ब्यूटीफुल लेक ता राजस्थान क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कोबे इन व्हिच इंडियन स्टेट बा इन व्हिच स्टेट इज द सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड तमो खाली सातकोसिया टाइगर रिजर्व कथा कहिथिले उड़ीसा क्लियर बर्तन आउडे क्वेश्चन देली सरिस्का टाइगर रिजर्व हु कैन से सरिस्का टाइगर रिजर्व को स्टेट रछि उड़ीसा मध्य प्रदेश राजस्थान वेस्ट बंगाल सरिस्का टाइगर रिजर्व हु कैन से इन व्हिच स्टेट इज द सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड उड़ीसा रा को स्टेट रे सरिस्का टाइगर रिजर्व अछि उड़ीसा मध्य प्रदेश राजस्थान या वेस्ट बंगाल जल्दी आंसर कहबे देखि फर्स्ट आंसर के कहउछन फटाफट आंसर कहबे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्लियर सल्ट लेक ता बाबा संबर लेक ता होची सल्ट लेक ता हला संबर लेक होची राजस्थान जदी कहा जाय सबटु माने कोचे सल्टीस्ट लेक जड़े के हम कोचे संबर लेक ता ठीक होची क्लियर वेरी गुड इन व्हिच स्टेट इज द सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड तो समझ जानिछ सरिस्का टाइगर रिजर्व कोड होची ना सही राजस्थान रे सरिस्का टाइगर रिजर्व अछि ओके तो तमे कहबे सर को डिस्ट्रिक्ट अछि ना अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान राजस्थान रो अलवर डिस्ट्रिक्ट रे जो सरिस्का टाइगर रिजर्व अछि केबे एस्टैब्लिश हेतला ना 1979 1979 मसिया रे कोन एकटा जो सरिस्का टाइगर रिजर्व टा एस्टैब्लिश हेतला आपण सब जानि रखिया दरकार को डिस्ट्रिक्ट रो छि ना राजस्थान रो अलवर डिस्ट्रिक्ट रो छि ओके ठीक अछि चल वेरी गुड एंड मु कहिथि सातकोसिया टाइगर रिजर्व कोडी ना उड़ीसा ठीक अछि वेरी गुड नेक्स्ट 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 इंटरनेशनल टाइगर डे फॉल इन व्हिच ऑफ दिस मंथ तो मते कहि परिबो कि तमो माने इंटरनेशनल टाइगर डे को हम केबे ऑब्जर्व करू छन इंटरनेशनल टाइगर डे हु कैन से जुलाई 29 सितंबर 30 अगस्त 5 जून 18 जल्दी आंसर कहबे इंटरनेशनल टाइगर डे हु कैन से जल्दी आंसर कहू जुलाई 29 या सेप्टेम्बर 30 अगस्त 5 या जून 18 समस्त डी के सेशन को शेयर करो तो 200 समथिंग लाइव लर्नर मोस तरह याद रखकर आसी कहन अपनान पई धमाकेदार क्वेश्चंस नहीं कैसे जो क्वेश्चंस के हमर अपकमिंग खास कर ओ ट्रिपल ई जो एग्जाम अछि क्लियर कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम अछि ता पई बहुत हेल्पफुल हो मतलब को इंटरनेशनल टाइगर डे केबे हम ऑब्जर्व करू छन इंटरनेशनल टाइगर डे को जुलाई 29 रे सेप्टेम्बर 30 रे ना अगस्त 5 रे ना जून 18 रे समस्त शेयर करो तो 200 लाइव लर्नर रहय दरकार 200 प्लस लाइव लर्नर आज रहय दरकार पले माने जल्दी आंसर कहबे समस्त इंटरनेशनल टाइगर डे फॉल इन व्हिच ऑफ दिस मंथ तो इंटरनेशनल टाइगर डे आसे समस्त मन रखा दरकार प्लान जुलाई 29 डक हम कोन करछे ना इंटरनेशनल टाइगर डे हिसाब रे ऑब्जर्व करूछन ये सब न प्लान बुझि पालो तो जुलाई 29 होछ कोन ना इंटरनेशनल टाइगर डे हला तो डे को ए डेटा को काहे के हम ऑब्जर्व करूछन पिला माने ए डे को ऑब्जर्व करर मेन ऑब्जेक्टिव कोन द डे इज सेलिब्रेटेड टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द टाइगर व्हिच आर एंडेंजर्ड स्पीशीज तो लोक मन को कोन ना टाइगर पई बा टाइगर विषय अवेयर करबा पई ए जो डे को हम ऑब्जर्व करूछन 2021 रो थीम कोन थला थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल टाइगर डे रो थीम कोन थला देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स इज अ थीम ऑफ इंटरनेशनल टाइगर डे व्हिच इज ऑब्जर्वड ऑन जुलाई 29 ओके जुलाई 29 रे हम कोन करछन इंटरनेशनल टाइगर डे को ऑब्जर्व करूछन एंड इंटरनेशनल टाइगर डे रो थीम कोन थला ना देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल टाइगर डे व्हिच इज ऑब्जर्वड ऑन जुलाई 29 ये सुनना पिला माने जानिले ना जानिले वेरी गुड बहुत बढ़िया बुझिलो ना बुझिलो ने पिला माने चलो वेरी गुड सुना पिला समस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कोई क्वेश्चन कोन आसला वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हु कैन से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रा हेड क्वार्टर कोड छ रोम इटली रे अछि ना पेरिस फ्रांस रे न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स रे अछि ना हम कहबा वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स रे जल्दी आंसर कहबे
वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जल्दी आंसर कौन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रे हेडक्वार्टर को जगह अछि रोम रे अछि ना पेरिस रे अछि ना न्यूयॉर्क रे अछि ना वाशिंगटन डीसी रे अछि जल्दी जल्दी आंसर कहबे जल्दी जल्दी आंसर कौन युधिष्ठिर वेरी गुड बहुत बढ़िया चित्तन लुटेरा एंड हमर बर्नाली सिंघम समस्त पूरा पूरी जबरदस्त जोश रे आंसर कोइ चल वेरी गुड पिला मन ए जोश ता हमर रहया दरकार काहे कि ना यू ऑल आर वॉरियर्स तमे समस्त योद्धा एंड समस्त प्रिपरेशन जबरदस्त करिया दरकार भी वेरी गुड बहुत बढ़िया Where is the headquarter of the International Energy Agency? International Energy Agency headquarter को जगह रची. Rome, Italy, ना Paris, France, ना New York जोड़े की United States रची. बामे कोई परे Washington DC, United States. Who can say question answer कौन आपना समझते? Concentrate करिए सुनिए दरकर. Each and every student ही question answer मध्य कोई परे मुझे जानी चाहिए दरिस Paris, France. ये सब ना पिलामने. कोड़ी अच्छी ना पिलामने. Paris, France रची. Okay? Clear. Headquarter असले Paris, France. Member country. 30th member country रची. And समझ मन रखा. Executive director की अच्छा समझते. Concentrate करिए सुनिए दरकर पिलाने. Faith Birol ji ki kon achanti na executive director achanti deputy executive director asle mon rakha dorkar bane warlick mon rakhi warlick and establishment kebe ithala na november 1974 re kebe establish ithala na november 1974 re establish ithala all clear bujhi parlo to apan exam re question ase international energy agency headquarter kodi chana paris france ye sonno pila chalo very good both pada next question answer samasya koibe kon asla in which indian state is the mukundara hill national park is situated who can say मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क को इंडियन स्टेट अछि को इंडियन स्टेट रे मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड समस्त सेशन को ये शेयर कर दियो 200 प्लस लाइव लर्नर हमर डाटा जवा दरकार 200 प्लस लाइव लर्नर डाटा जवा दरकार अछि ओके इन व्हिच इंडियन स्टेट इज द मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क ता को जगह अछि हिमाचल प्रदेश अछि ना मध्य प्रदेश अछि ना राजस्थान अछि ना उत्तराखंड अछि मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क जल्दी आंसर कर मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क Who can say? जल्द जल्द आंसर कहिए। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क टा को जगह रची। जल्द जल्द आंसर कौन? थोड़ा बड़ा आंसर कहिए देखिए। फर्स्ट आंसर की क्वेश्चन थी। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क को था पच्चीस अलग क्वेश्चन। ओके तो ये क्वेश्चन आंसर कौन है वो पिला माने? हिमाचल प्रदेश रची, ना मध्य प्रदेश रची, ना राजस्थान रची, ना उत्तराखंड रची। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। Who can say? जल्द जल्द आंसर कहिए। Each and every student का आंसर दरकार। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क टा को जगह रची पिला माने? तो समान रखे राजस्थान रची। कोड़ी छे बाबू? ना राजस्थान रची। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। ओके क्लियर एंड समस्त जानी रखे दरकार पिला माने और एरिया डा केते ना 759.99 स्क्वायर किलोमीटर असतर एरिया डा एंड अपन समस्त जानी रखे दरकार जरा की राजस्थान रो छी एंड मै जानी रखे दरकार कोटा पखर रो छी पिला माने केबे एस्टेब्लिश तर मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क टा 2004 रे हला 2004 रे ये सुन लो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क को जगह छी ना राजस्थान रो छी ओके क्लियर राजस्थान रो जी बहुत क्वेश्चन हम डिस्कशन करी छे राजस्थान रो जी हम बहुत क्वेश्चन डिस्कशन करी छे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहबे डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम जल्दी आंसर कर डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम इज लोकेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट तो को स्टेट रे को इंडियन स्टेट रे डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम अछि डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम अछि जल्दी आंसर कर को स्टेट तारे जेडा कि डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम अछि उत्तर प्रदेश बिहार गुजरात हरियाणा डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम डा अछि कोइ परबो कि जल्दी आंसर कर पिला जल्दी आंसर कर डॉक्टर संपूर्णानंद जकि स्पोर्ट्स स्टेडियम को स्टेट रे अछि उत्तर प्रदेश रे ना बिहार ना गुजरात ना हरियाणा रे जल्दी आंसर कोन पिला जल्दी आंसर के को स्टेट रे अछि डॉक्टर संपूर्णानंद जकि हम कहउ छन कोन ना स्पोर्ट्स स्टेडियम डा तो समस्त कंसंट्रेट करिक सुनिया दरकार ए क्वेश्चन आंसर एंड समस्त शेयर करंतु सेशन को एंड 200 लाइव लर्नर मोस्ट एटलीस्ट आंसर अटा जबा दरकार तो यूपी रे अछला क्लियर तो मन रखे डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम दा ना होछि पिला सिग्रा स्टेडियम हला तनाडा कोडीची ना तना होची सिग्रा स्टेडियम कोडीची ना वाराणसी रे छिले वाराणसी उत्तर प्रदेश रे हला डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम जका में सिग्रा स्टेडियम कोछन कोन कोछन ना सिग्रा स्टेडियम को जगह रे छ ना यूपी रे उत्तर प्रदेश रे केबे एस्टेब्लिश हितला ना 1964 रे एस्टेब्लिश हितला 1964 1964 मसे रेडा एस्टेब्लिश हितला डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम जका में सिग्रा स्टेडियम कोछन ये सुनो क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट रज पर्व हला रज पर्व कथा आसला तो रज मनस्ते डाकिला गज हां हु सज बाज कोन गीत थिला नै रे हां चलो वेरी गुड तो रज पर्व कथा आसला म पिला माने पूरा खुशी रे पूरा नाचिबे कहिबे सर रज पर्व आमो पर्व हां चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया रज पर्व व्हिच वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट रज पर्व आसले मनस्ते डाकिला गज आ कोन कोन थिला पूरा बरस कथे रासि रज ना कोन एतुड गीत न थिला कि हां चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया म पिला माने समस्त रज मींस कहबे सर रज में सब झील मान तो पूरा पूरा बहुत खुशी कहले दोली रे झुलबो तीन दिन पूरा एंजॉय करबो ना कौन मिला माने चलो वेरी गुड रज पर्व व्हिच वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट तो को स्टेट रे फेमस फेस्टिवल टा कर्नाटक केरला उड़ीसा वेस्ट बंगाल जल्दी आंसर कहबे पिला माने जल्दी आंसर कहतो 1 मिनट पिला माने 1 मिनट अपन फटाफट आंसर कहतो देखिए फर्स्ट आंसर की क्वेश्चन
जल्दी जल्दी आंसर कहे पे फटाफट आंसर कहतु रज पर्व कथा दला जल्दी कहे फटाफट आंसर कहतु रज पर्व तो 200 प्लस लाइव लर्नर वेरी गुड यार समस्त सेयार कर चलतु समस्त फटाफट लिंक को सेयार करूँ रज पर्व व्हिच वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट तो को स्टेट रे होच फेमस फेस्टिवल कर्नाटक केरला उड़ीसा वेस्ट बंगाल जल्दी आंसर कहे थैंक यू एवरीवन 200 प्लस लाइव लर्नर एंड एमिति तमर भल पाइबा मिलिया दरकार सब दिन ओके तो ए क्वेश्चन आंसर कोन हो पिला माने ना अमर पर्व ओडिसा रा पर्व ओडिसा रा गण पर्व से होची कोन रज पर्व यस नो पिला माने चल वेरी गुड बहुत बडा क्लियर एंड अपन मन रखा दरकार पिला माने ए जो रज पर्व रे ना ओडिसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दैट इज कॉल्ड ओटीडीसी म कथा मन दै सुनिबो ओडिसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दैट इज कॉल्ड ओटीडीसी ना गुटे स्पेशल प्रोग्राम को लॉन्च करितला ताना होची पिठा ऑन व्हील स्पेशल प्रोग्राम को भी लॉन्च करितला ताना होची कोन ना पिठा ऑन व्हील प्रोग्राम को मध्ये लॉन्च करितला ठीक अछि तो रज पर्व रे 3 डेज फेस्टिवल आसे ओडिसा रो ओके चलो वेरी गुड बहुत बडा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहबे वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी रो हेडक्वार्टर को जगह जल्दी आंसर कहबे जल्दी आंसर कोन पिला माने जल्दी आंसर कहबे एंड थैंक यू एवरीवन एमिति सब दिन आपनको भल पाया दबा दरकार एंड तमानको समस्तनको कहि रखे अपना जब डेली करंट अफेयर क्लास पाया पाई चाहछ 10टा एएम रे ओडिसा रो फर्स्ट चैनल जे कि करंट अफेयर सेशन सब दिन नै कि ओसिछु 8247 ओडिया स्टैटिक क्लासेस अपन पाइबे ईच एंड एवरी डे 4 पीएम रे धमाकादा स्टैटिक क्लासेस पाइबे एंड साइंस क्लासेस जे अपन पाया पाई चाहछ तले अपना ने ठीक 7टा रे मोस जॉइन हेबे 7टा रे अपन स्टैटिक सेशन मध्ये सॉरी साइंस सेशन मध्ये पाइबे ओके क्वेश्चन आंसर को यूएनडीपी रे हेडक्वार्टर को जगह अछि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जल्दी आंसर कहबे देखिए फर्स्ट आंसर के कहछन यूएनडीपी रे हेडक्वार्टर को जगह अछि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड यूएनडीपी यूएनडीपी हेडक्वार्टर को जगह अछि तो अपन सब जानि छथि को जगह अछि न्यूयॉर्क रे अछि ओके यूएनडीपी हेडक्वार्टर को जगह अछि मतलब न्यूयॉर्क रे अछि तमे जानि रखे दरकार फॉर्मेशन केबे इतला ना 22 नवंबर 1965 1965 मसे एटा फॉर्मेशन इतला हेडक्वार्टर को जगह अछि ना न्यूयॉर्क सिटी होछ हेडक्वार्टर एंड समस्त कंसंट्रेट करिके सुनेबे मु कोन कहूछि ना अचिम स्ट्रेनर जे कि कोन अछि ना हेड अछि कार ना यूएनडीपी रो यस ऑर नो समस्त कंसंट्रेट करिके सुनी छन ना यूनिट जडे कि यूएनडीपी रो अपन हेडक्वार्टर को जगह अछि ना न्यूयॉर्क सिटी एंड अचिम स्ट्रेनर जे कि कोन अछि ना हेड अछि केबे फॉर्मेशन इतला 22 नवंबर 1965 रे यस ऑर नो बोले चल वेरी गुड सुना पिला नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करबे क्वेश्चन आसला Which of the following is the first paper mill of Odisha? Odisha first paper mill na kono jaldi answer kebe. First paper mill of Odisha. Which of the following is the first paper mill of Odisha? Odisha paper work, Orient paper mill, Hockey, ajra ki Hickey paper mill ya none of the above. Ebitr kono city ne jaldi answer kondu. Jaldi answer kondu. Question ki koi pari pila mane? Ki koi pari question answer? Which of the following is the first paper mill of Odisha? Odisha first paper mill na kono? Odisha first paper mill na kono? ओडिसा पेपर वर्क्स ओरिएंट पेपर मिल हिक्की पेपर मिल या नन ऑफ द अबव ए भीतर कोनो सिटी नो जल्दी आंसर कहबे ओके फर्स्ट पेपर मिल ता कोडा ओडिसा रा फर्स्ट पेपर मिल तो वेरी गुड आपन समस्त परफेक्ट आंसर कहछन दैट इज ओरिएंट पेपर मिल तो ओरिएंट पेपर मिल ता ओडिसा रा में कोचे फर्स्ट पेपर मिल केबे फाउंडेड इतरा ना 1936 रे ओके तमे कहबे सर ए जो ओरिएंट पेपर मिल ला को जगह रे अछि ना मनके ब्रजराज नगर झारसुगुडा रे अछि को जगह रे अछि पिला माने ना ब्रजराज नगर झारसुगुडा रे जो ओरिएंट पेपर मिल अछि से ओरिएंट पेपर मिल हो ओडिसा रा फर्स्ट पेपर मिल केबे एस्टैब्लिश इतरा ना 1936 36 मसे रे जो ओरिएंट पेपर मिल ता कोने ता ना एस्टैब्लिश इतला ये सब पिला माने समस्त परफेक्टली नोट डाउन करू छन ना मु जानि छ अपन पक्का नोट डाउन करू थे क्वेश्चंस कोडा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहबे क्वेश्चन असला द नंदा देवी नेशनल पार्क ओके असे नंदा देवी नेशनल पार्क वाला गोडे क्वेश्चंस मध्ये अछि जेके हम कोन कहू छे नंदा देवी नेशनल पार्क ओटा कमे कोन कहू छे द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहू छे जेके हम कोन कहू छे ना वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहू छे जेके यूनेस्को गोडे वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्ये ओके त मते कोन जे नंदा देवी नेशनल पार्क जेके वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ता कोई परबे को स्टेट रोची उत्तराखंड सिक्किम राजस्थान हिमाचल प्रदेश ओके से जल्दी आंसर कहबे देखिए फर्स्ट आंसर की क्वेश्चन नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन व्हिच स्टेट तो को स्टेट रे जो नंदा देवी नेशनल पार्क रे के वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क को के से जल्दी जल्दी आंसर कहबे मु जानि छ अपन पक्का एक क्वेश्चन आंसर कहबे उत्तराखंड सिक्किम राजस्थान हिमाचल प्रदेश तो पिला माने समस्त क्वेश्चन आंसर कहिसथि सुना पिला समस्त हमर उत्तराखंड रछि ओके तो नंदा देवी नेशनल पार्क जदि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क रे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जगह रछि ना उत्तराखंड रछि को जगह रछि पिला माने ना उत्तराखंड स्टेट रछि जो नंदा देवी नेशनल पार्क ता ठीक अछि चलो वेरी गुड बहुत बडा समस्त वेरी गुड सुना पिला समस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहबे क्वेश्चंस कोन आसला क्वेश्चन आसला वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन तो कहि परबो कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन हेडक्वार्टर को जगह रछि ओके बुदापेस्ट हंगेरी मुनिच जर्मनी लुजान स्विट्जरलैंड या कुआलालंपुर मलेशिया जल्दी आंसर कहबे तो क्वेश्चंस कोन देतला क्लियर क्वेश्चंस कोन देतला पले माने क्वेश्चन आंसर कहबे क्वेश्चंस कोन देला वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रा हेडक्वार्टर को जगह रछि बुदापेस्ट हंगेरी मुनिच आजरे के हम कहू छी जर्मनी लुजान स्विट्जरलैंड या कुआलालंपुर मलेशिया जल्दी आंसर कहबे तो एक क्वेश्चन आंसर कोन हो पिला माने ना समस्त परफेक्टली क्वेश्चन आंसर कहि पर लुसाने स्विट्जरलैंड जड़की कोन ना हम कहू छी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज हम कहू छी पिला माने कोन
ନା ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯଦି ଆମେ କୋଉଟା କି ୱାର୍ଲଡ ଚେସ୍ ଫେଡେରେସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା କି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ଲୁସାନେ ସ୍ୱିଟ୍ଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ତ ୱାର୍ଲଡ ଚେସ୍ ଫେଡେରେସନଟା ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚେସ୍ ଫେଡେରେସନର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ଲୁସାନେ ସ୍ୱିଟ୍ଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ଆଣ୍ଡ ମନେ ରଖିବ ଆର୍କେଡି ୱର୍କୋବିଚ୍ ହେଲା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଆର୍କେଡି ୱର୍କୋବିଚ୍ ଯିଏକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆର୍କେଡି ୱର୍କୋବିଚ୍ ଯିଏକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭେରି ଗୁଡ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସିଲା ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ଓକେ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ରେ ହିନ୍ଦୀ ଡେ ଇଜ୍ ମାର୍କ ଅନ୍ ଫିଚ୍ ଦିସ୍ ଡେ ମିନ୍ସ ମତେ କହନ୍ତୁ କୋଉ ଦିନଟାକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ବା ହିନ୍ଦୀ ଡେ ହିସାବରେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି 20 ନଭେମ୍ବର 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ଅଗଷ୍ଟ ୟା ଆମେ କହୁଛେ 11 ଜୁଲାଇ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ଓକେ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ୟା ହିନ୍ଦୀ ଡେ ଇଜ୍ ମାର୍କ ଅନ୍ ଫିଚ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଡେ ମିନ୍ସ କୋଉ ଦିନଟାକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଡେ ବା ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ହିସାବରେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ 20 ନଭେମ୍ବର କୁ ନା 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୁ ନା 25 ଅଗଷ୍ଟ କୁ ନା 11 ଜୁଲାଇ କୁ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କହିବେ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ବା ହିନ୍ଦୀ ଡେ ମୁଁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କହିବି ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଏ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ୟା ହିନ୍ଦୀ ଡେ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ୟା ହିନ୍ଦୀ ଡେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ମୁଁ ବାର ବାର ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦାଟ ଇଜ୍ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ବା ହିନ୍ଦୀ ଡେ ବଟ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ୱାର୍ଲଡ ହିନ୍ଦୀ ଡେ ଆସିଲେ କଦାପି ତମମାନେ ଭୁଲିବନି ଜାନୁଆରୀ 10 ଜାନୁଆରୀ 10 ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ହିନ୍ଦୀ ଡେ ଓକେ ତ ଜାନୁଆରୀ 10 ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ହିନ୍ଦୀ ଡେ ବସ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର କଥା ଯଦି ଆସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ବା ଆମେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ହିସାବରେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 କୁ ବଟ୍ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ଜାନୁଆରୀ 10 ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ହିନ୍ଦୀ ଡେ ହିସାବରେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ବୁଝିପାରିଲ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଡ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ତମେ କହିବ ସାର୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 କୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ବା ହିନ୍ଦୀ ଡେ ହିସାବରେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ହିନ୍ଦୀଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆଡାପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହିସାବରେ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରଟାକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ବା ହିନ୍ଦୀ ଡେ ହିସାବରେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତମେ କହିବେ ସାର୍ ୱାର୍ଲଡ ହିନ୍ଦୀ ଡେ ଟାକୁ କାହିଁକି ଆମେ 10 ଜାନୁଆରୀ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ନା ୱାର୍ଲଡ ହିନ୍ଦୀ କନଫରେନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କେବେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ହିନ୍ଦୀ କନଫରେନ୍ସ କୁ ନା ଜାନୁଆରୀ 10 1975 1975 ଜାନୁଆରୀ 10 ୱାର୍ଲଡ ହିନ୍ଦୀ କନଫରେନ୍ସ ସରି ୱାର୍ଲଡ ହିନ୍ଦୀ କନଫରେନ୍ସ କୁ ଯେହେତୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତ ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ କମେମୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ହିନ୍ଦୀ ଡେକୁ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 10 ଦିନ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଡେ ହିସାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ହିନ୍ଦୀକୁ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେ ନା 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନେକ୍ସଟ ୱେର୍ ଆର୍ ଦ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଫେଡେରେସନ୍ ୱାଟମିଟନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ୍ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ୍ ର ଆମେ କହିବା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ୍ ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ମାଲେସିଆ କାନାଡା ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ୍ ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ୍ ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ମାଲେସିଆ କାନାଡା ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କହିବେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ୍ ହୁ କେନ୍ ସେ ହୁ କେନ୍ ସେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ୍ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ୍ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଛି ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଛି ନା ମାଲେସିଆ ଅଛି ନା କାନାଡାରେ ଅଛି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ୍ ହୁ କେନ୍ ସେ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କହିବେ କ୍ଲିୟର ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ୍ କଥା ଆସିଲେ ତ ସମସ୍ତେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର କେବେ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା ନା 1934 ଏଇଟା ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା 1934 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ ଯେକି ଆପଣ କ'ଣ ନା ପୋଲ ଆରିକ ହୋୟାର ଲାର୍ସେନ୍ ଯିଏକି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ୍ ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୁଲାଲମ୍ପୁର ମାଲେସିଆରେ ଅଛି କେବେ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା ନା 5 ଜୁଲାଇ 1934 ଓକେ 5 ଜୁଲାଇ 1934 ମସିହାରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ୍ ଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଡ ତାର ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ ଟା କ'ଣ ଆସେ ନା BWF ହେଲା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ୍ ଦାଟ ଇଜ୍ BWF ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ୍ ଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ଆସେ ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଡ 1934 1934 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଯାହାର କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପୱଲ ଏରିକ ହୋୟର ଲାର୍ସେନ୍ ଯିଏକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୁଡ଼େ ସେଟା କୁଲାଲମ୍ପୁର ମାଲେସିଆର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ସେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ସେସନ୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଡ୍ରା 24/7 ଷ୍ଟୋରରୁ ବେଜ୍ ଏନରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି Y281 ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ Y281 ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ମହାପେକ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଏନରୋଲ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ Y281 ଓଡ଼ିଆର ବା Y281 ଟିମ୍ର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ 2022 ରେ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇବା ଡ୍ରିମ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବାଲା ଡ୍ରିମ୍ କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଠିକ 10 AM ରେ ସବୁଦିନ 10 AM ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସେସନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି ଏଣ୍ଡ 4 PM ରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ସେସନ୍ ପାଇବେ ଏଭ୍ରି ଡେ 4 PM ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ସେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଡେ 7 PM ରେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସ ର ସେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସବୁଦିନ ଜଏନ୍ କରିବେ ସାଇନ୍ସ ର ସେସନ୍ ରେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ସେସନ୍ ରେ ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସେସନ୍ ରେ ଓକେ ସବୁଦିନ ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ସେସନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି 3 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରି କ୍ଲାସେସ୍ କହିବି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ଲାସେସ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଏଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସେସ୍ Y281 ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ Y281 ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ମୋତେ ସବୁଦିନ ମିଳିବା ଦରକାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଠିକ 7ଟାରେ ମୋର ସାଇନ୍ସ ସେସନ୍ ବି ଅଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଇନ୍ସ ସେସନ୍ ଜଏନ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ